मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11 के अंदर जो जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन थ्योरम है, प्रमेय है, वो अपन करेंगे। अब आगे जो प्रमेय है वो है 11.8 मोस्ट प्रमेय है ये। तो इस प्रमेय का जो क्या स्टेटमेंट है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, तो आपने समरूप त्रिभुज किससे संबंधित प्रमेय पढ़ी हुई है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके तीनों कोण आपस में दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात है वो संगत भुजाओं, जैसे अपना अगर समरूप होता तो AB बटा DE आता है, ये संगत भुजा है। संगत भुजा क्या होता है, इसके पहले दूसरे अवयव को लेकर जो भुजा बनी है AB, तो इधर कोण होगा DE। अगर BC लेते हो तो इधर दूसरा तीसरा EF, और पहला तीसरा AC लेते हो तो इधर पहला तीसरा BF, और संगत कोण एक नंबर पे A है तो इधर D, B है दो पे तो इधर E के बराबर होगा, C है तो इधर F के बराबर होगा। तो समरूप में आप इनके अगर आगे पीछे में लिख दिए तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे DEF की जगह आपने DF ही लिख दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत अवयव लिखने पड़ते हैं एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ पे अब इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इनके वर्गों के बराबर करना है। जैसे समरूप है तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन ये क्षेत्रफल का आपको यहाँ पे इनका बराबर कैसे करना है, इनके वर्गों के बराबर करना है जो कि भुजाएं हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज D का क्षेत्रफल किसके बराबर करना है, AB बटा D के वर्ग के, BC बटा EF के वर्ग के, AC बटा DF के वर्ग के बराबर करना है। तो इसमें ये दिया हुआ था कि दो त्रिभुज है वो समरूप है और ये सिद्ध करना है। अब इसमें रचना क्या करेंगे कि रचना करेंगे कि इसमें आप दोनों त्रिभुजों में किसी भी शीर्ष से लंब खींच सकते हो। तो यहाँ पे मैं रचना कराऊंगी, ए से जो लंब है वो बी सी के ऊपर खींचा है और जो डी से जो लंब है वो ई ऊपर खींचा, तो ये लंब खींचे दोनों इसके अंदर, तो इसका नाम हो गया AP, नाम दे देते हैं इसका, नाम दे देते हैं DQ। तो ये हो गए हैं दोनों लंब जो कि अपने रचना किया है। तो रचना जो की है वो आप यहाँ पे लिखोगे, रचना में दिया हुआ हो गया, सिद्ध करना हो गया, उसके बाद रचना। तो रचना क्या किया है कि जो AP लंब किस भुजा पे है, BC पर, तथा DQ लंब कौन सी भुजा पे है, EF पर खींचे। तो ये अपने इनके ऊपर लंब खींचे। अब उपपत्ति के अंदर, उपपत्ति प्रूफ के अंदर सबसे पहले तो आप ये रिजल्ट जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के जो दो रिजल्ट बनते हैं, एक तो इनके संगत कोण बराबर है और इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो वो अपन सबसे पहले उपपत्ति में लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप दिया हुआ है त्रिभुज DEF के, ये तो है दिया हुआ। तो इसके अनुसार अगर दो त्रिभुज समरूप है तो BCP अष्टी से समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव है, तो यहां पे भुजाएं हैं वो तो अनुपात में होंगी और कोण है वो बराबर होंगे, तो कोण A के बराबर कौन सा होगा, कोण D होगा, और कोण B के बराबर होगा, कोण E, और कोण C के बराबर तीसरा कोण F होगा, एक तो ये होगा, और इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो AB के बट्टा में AB भुजा है तो इधर कौन सी होगी, DE, इसके बराबर होगा BC है तो इधर दूसरा तीसरा होगा EF, और इधर तीसरा AC है तो इधर कौन सा होगा DF। तो ये हो गया भुजाओं का अनुपात, इसको अपन समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब यहाँ पे ये समीकरण है वो आगे अपने रिजल्ट के अंदर यूज करेंगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब त्रिभुज इनमें से आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो अब क्षेत्रफल के अंदर आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो आधार इसमें BC है, इसमें AP है, इसमें EF है, इसमें ऊंचाई है वो DQ है, तो यहाँ पे आपको इनका स्क्वेयर बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो, ये दोनों लेफ्ट साइड में जो बने हुए दो त्रिभुज, ये दोनों ले सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों को आपको समरूप करना है, और यह राइट साइड वाले जो दोनों, ये दोनों बने हुए, तो ये दोनों पार्ट है दोनों त्रिभुजों के, इन दोनों को आपको समरूप कर सकते हो। तो समरूप कैसे करेंगे, अगर आप ये दोनों त्रिभुज लेते हो तो उसमें एक तो ये दोनों 90 डिग्री के कोण हो गए हैं, और एक जो बी कोण है वो ई के बराबर है जो कि दिया हुआ है, क्योंकि ABC और ये DEF समरूप है,
तो ये दोनों कोण बराबर है और P और Q वाला 90 डिग्री का है। तो दो कोणों से AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो यहां पर अपन या तो ये दोनों त्रिभुज लियो या APC और DQ अब त्रिभुज लियो। तो अपन त्रिभुज लेते हैं APB, त्रिभुज APB वह त्रिभुज APB लिया तो इधर कौन सा लेंगे DQE में, वह त्रिभुज DQE में। इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी चीजें बराबर है, एक तो कोण जो B और E वाला बराबर है, तो इस B कोण को आप जैसे एक नंबर ऐसे लिख सकते हो ये एक दो के बराबर है, अदरवाइज आप A B P बराबर है D E Q के ऐसे भी लिख सकते हो। तो कोण एक के बराबर है कोण दो, तो ये दिया हुआ है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे तो इनके संगत अव्यय बराबर होते हैं। और एक कोण जो P और Q वाला बराबर है तो P वाले का नाम क्या होगा कोण A P B बराबर है कोण, ये Q पर बना हुआ है तो इसका नाम क्या होगा Q, जिस बिंदु पे कोण बना हुआ है वो बीच में लेंगे, तो DQE कोण DQE। ये दोनों कोण से हैं, ये रचना से बराबर की है, ये रचना से की है और दोनों का मान कितना है 90 डिग्री है, तो ये रचना से बराबर की है और प्रत्येक का मान है 90 डिग्री। दो चीजें बराबर हो गई है तो त्रिभुज APB समरूप हो गया त्रिभुज DQE के। कौन से रूल से हुआ ये, डबल ए रूल से हुआ ये, डबल ए सिमिलरिटी रूल से। अब दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो संगत भुजाएं यहाँ पे कौन सी होगी AP बटा में DQ होगा, तो बाई CP अष्टी से कॉन्ग्रुएंट ए कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल। इस रूल से AP बटा में DQ, AP बटा में DQ किसके बराबर होगा PB बटा में QE, PB बटा में QE बराबर पहला तीसरा AB बटा में DE, AB बटा में DE। अब यहां पे जो आपको फर्स्ट इक्वेशन में जो आपके पास AB बटा DE था और ये AB बटा DE यहां पर भी आ रहा है, ये रहा AB बटा DE, तो ये भुजाओं का अनुपात है जो कि आपको दो त्रिभुज दिए गए थे ABC और DEF। अब ये आपको इन तीनों में से कौन से दो लेने हैं, ये AP और DQ लेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है इनके शीर्ष लंब है, तो इन शीर्ष लंब का जो अनुपात आया है वो इन भुजाओं के अनुपात के बराबर आया है, तो इन तीनों में से अपन कौन सा ले लेंगे पहला और तीसरा। पहला और तीसरा लेने से अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा कि AP बटा जो DQ है वो भी किसके बराबर है AB बटा DE के, AB बटा में DE के। तो ये समीकरण नंबर हो गई दो। समीकरण नंबर एक और दो से क्या रिजल्ट मिलेगा कि समीकरण नंबर एक में तो AB बटा DE बाकी जो भुजाओं का अनुपात था त्रिभुज की उसमें है बराबर, और यहाँ AB बटा DE क्या है शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर है। तो एक व दो से क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये जो शीर्ष लंबों का अनुपात है वो भी इन भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये AB बटा DE यहाँ पर भी AB बटा DE दोनों बराबर है, तो ये बाकी दो और है ये भी इस AP बटा DQ के बराबर आ जाएंगे। तो समीकरण एक व दो से क्या रिजल्ट मिलेगा, समीकरण एक व दो से कि ये तीनों भी किसके बराबर हो जाएंगे AP बटा DQ के, तो ये तीनों लिख देंगे और इसके बराबर AP बटा DQ लिख देंगे। तो AB बटा DE बराबर है BC बटा EF बराबर है AC बटा DF, और ये किसके बराबर है AP बटा में DQ के। तो यहां पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके शीर्ष लंबों के अनुपात में आ गया, ये समीकरण नंबर हो गई तीन। अब यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को सिद्ध करना है उसका अनुपात, तो त्रिभुज का जो अंश और हर में जो क्षेत्रफल है वो लिख देंगे, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाले फॉर्मूले से। तो त्रिभुज कौन सा लेना है एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक बटा दो इंटू में इसका आधार कौन सा है बीसी है और एबीसी का ऊंचाई कौन सा है एपी है, तो ये आधार और ऊंचाई होगी, और हर में जो है डीईएफ इसका एक बटा दो इंटू इसमें आधार कौन सा है ईएफ है और ऊंचाई कौन सी इसमें डीक्यू है। तो यहां पर जो कैंसिल होने वाला पार्ट है ये एक बटा दो से एक बटा दो, अब बाकी जो पार्ट बच गए वो लिख देंगे, ये बीसी बटा में ईएफ तो ये भुजा है और इंटू में ये क्या है एपी बटा में डीक्यू,
ये समीकरण नंबर बना देते हैं अपन इसको चार। अब समीकरण नंबर तीन और चार से देखो आपको यहां पे रिजल्ट क्या लेकर आना है कि BC बटा EF लिया है ना, तो BC बटा EF का क्या लेकर आना है, स्क्वायर लेकर आना है। तो अपने पास BC बटा EF एक तो है और ये AP बटा DQ से गुणा हो रहा है। अगर AP बटा DQ की जगह ही BC बटा EF आ जाए तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो समीकरण नंबर तीन में क्या है कि AP बटा DQ किसके बराबर है, BC बटा EF के बराबर है। तो अपन AP बटा DQ को रिप्लेस कर देंगे किससे, BC बटा EF से। तो समीकरण नंबर तीन व चार से, समीकरण तीन व चार से क्या रिजल्ट मिलेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये BC बटा EF एक तो है ही अपने पास और इनटू में इस AP बटा DQ की जगह भी क्या है, ये है तो इन तीनों के बराबर, लेकिन यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लें जिससे इसका स्क्वायर बन जाए, तो BC बटा EF लेंगे। तो BC बटा ये EF हो गया, तो ये BC का BC से गुणा होगा, तो ये BC का स्क्वायर, EF का EF से होगा, तो ये EF का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, BC बटा EF पूरे पे स्क्वायर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपने यहाँ पे इसका क्षेत्रफल BC बटा EF के स्क्वायर के तो सिद्ध कर दिया, अब बाकी ये दो रिजल्ट और पूछे हैं, तो ये आप लिख दोगे जैसे आपने इन दोनों पे रचना किया तो BC और EF आया, अगर आप AB पर और DE पे रचना करते तो ये रिजल्ट मिलता। तो आप बाकी दोनों लिख दो इसी प्रकार, तो इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DE आपका क्षेत्रफल इन दोनों के बराबर आ जाएगा। एक तो है अपने पास AB का स्क्वायर बटा में DE का स्क्वायर इन दोनों के, और एक आ जाएगा AC का स्क्वायर बटा में DF का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आने के बाद अब लास्ट में आप अतः लगा करके लिख देना ये वाला रिजल्ट जो सिद्ध करने वाला था, ये वाला अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DF का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा ये AB का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको लास्ट लाइन लिखनी है सिद्ध करना में वाली जो ये लाइन है, तो लास्ट में लिख करके हैंस प्रूव। तो ये जो प्रमेय है इसका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछता है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करवा लेगा और उनकी भुजा का मान दे देगा, संगत भुजाओं का मान दे देगा। कई बार तो अनुपात दे देता है, कई बार जैसे AB का और DE का मान दे दिया इसने, BC और EF का दे दिया, तो वो आपको फिर भुजाओं के मान से अनुपात निकालना है। कई बार भुजाओं का जो अनुपात दे करके क्षेत्रफलों का पूछ लेगा, या क्षेत्रफल का अनुपात दे करके संगत भुजाओं का पूछ लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तीन नंबर पे भी है प्रश्नावली के अंदर, तो वो अपन क्वेश्चन प्रश्नावली से करेंगे। तो ये प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है छह नंबर के लिए। अब आगे दो प्रमेय और है, एक तो बोधायन प्रमेय, एक बोधायन का विलोम, वो अपन प्रमेय करते हैं जो कि इस साल के लिए मोस्ट